राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में स्थित गृह मंत्रालय ऑफिस में आग लग गई। आपको बता दें, बीती रात करीब 12:18 के आसपास गृह मंत्रालय के दफ्तर के फर्स्ट फ्लोर पर आग लगी थी। आग की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की 7 गाड़ियां मौके पर रवाना की गई। आधा घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरीके से काबू पाया गया। दमकल विभाग के मुताबिक बीती रात करीब 12:18 के आसपास गृह मंत्रालय के दफ्तर के फर्स्ट फ्लोर पर आग लगने की सूचना मिली। जानकारी मिलने के बाद दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। तो वहीं गृह मंत्रालय के दफ्तर में रूम नंबर 82A और B में आग लगी थी, जो कि टेलीफोन एक्सचेंज का दफ्तर बताया जा रहा है। आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों ने यह पुष्टि भी नहीं की कि आग से अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है और गृह मंत्रालय के अधिकारी अलर्ट पर हैं। हालांकि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।